आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश भर में लोगों को परेशान करके रख दिया है। नगरी में कुछ दिनों से कोविड से ग्रसित मरीजों को अस्पतालों में इलाज के लिए बेड नहीं है। इस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल चतुर्वेदी ने चिंता जाहिर की है। 22 मार्च को जब देश में लॉकडाउन लगा था, मैं समझता हूं कि उससे भी भयावह स्थिति आज फिर दोबारा वहीं आकर हम लोग खड़े हुए हैं जहां पर पहले खड़े थे। आखिर मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि 13 माह के अंदर सरकार ने क्या व्यवस्था करी जो लोगों को इससे निजात मिल सके। मैं पूछना चाहता हूं क्या कोरोना खत्म हो गया था, क्या कोरोना की टेस्टिंग खत्म कर दी थी, उसके बावजूद क्या हमारे पास वेंटिलेटर थे, बेड थे। आज आगरा शहर की ये स्थिति हो चुकी है। आखिर आप सोचो कि किस तरह ये व्यवस्था चल रही है जहां पर कोई भी प्रशासन कुछ खत करने को तैयार नहीं है। किसी भी स्थिति पर किसी मरीज का, किसी पारिवारिक का अगर मरीज कोविड पेशेंट निकलता है तो वो कहां जाए, किससे बात करे, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां पेशेंट को लेके घूमे। मैं समझता हूं कि जब तक वो बेड की अवेलेबिलिटी ढूंढेगा, जब तक वो अपने पेशेंट से हाथ धो बैठेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जनप्रतिनिधियों को जगाना चाहता हूं कि आगरा को आवश्यकता है, आगरा को बहुत आवश्यकता है। हर आदमी बड़ा भयभीत है। बाहर निकल के प्रशासन आए, एक नया डॉक्टर्स का पैनल बाहर खड़ा करे कि आगरा के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय ब्रजेंद्र पटेल जी, जिन्होंने पूरा जीवन अपना शहर को आईना दिखाने में, सच का आईना दिखाने में लगा दिया। वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान अखबार के थे, उनकी कोरोना से जंग लड़ते लड़ते मृत्यु हो चुकी। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं, हफ्ते भर में उनको एक सरकारी नौकरी और एक आर्थिक सहायता जल्द से जल्द पहुँचाने का करें। मैंने इस विषय पर अपने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को एक पत्र लिखा है कि वो आर्थिक सहायता इस परिवार को दें, इस परिवार के संग सहानुभूति प्रदान करें।